दोस्तों सावन के महीने में गाय को भूल कर भी ऐसी रोटी मत खिलाना, भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों सावन का महीना बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही भगवान शंकर की कृपा से भक्तों के मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो यही वो अच्छा समय होता है जब आप इसे दूर कर सकते हैं। कई ऐसे टोटके हैं जो आपको सावन के महीने में परेशानी से छुटकारे दिलाएंगे, साथ ही इन टोटकों को जरूर अपनाएं ताकि जीवन के सभी परेशानियां दूर हो जाएं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। आइए जानते हैं ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय जिनको करने से हर एक काम में सफलता पाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, जय शंभू। दोस्तों गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप गाय को रोटी में घी और गुड़ लगाकर प्रतिदिन खिलाते हैं तो कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ मिलता है। कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे बुध ग्रह से जुड़े सभी दुष्प्रभाव दूर होते हैं, सभी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हों तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवा कर खिलवा दें। प्रतिदिन सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। साथ ही दोस्तों कहते हैं कि जब घर का निर्माण करना हो तो वहां बछड़े वाली गाय को लाकर अगर बांध दिया जाए तो वहां मौजूदा वास्तु दोष दूर हो जाता है और बिना किसी बाधा के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय के प्रति आस्था को भव्यक्त करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। यह रहने वाला हर व्यक्ति गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में अपनाता है। वास्तु ग्रंथ में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार करती है, चाटती है, तो उसका फैन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वह होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता ग्रंथों में भी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है तो उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है, तो वहीं वास्तु के अनुसार जहाँ वो अपने बच्चे को बैठाकर दुलार करेगी तो उस जगह से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र पौत्र धन आदि सुख जो भी चाहिए होता है मिल जाता है। गाय का घर में पालना बहुत लाभकारी है। इससे घरों में सर्व बाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है, बच्चों में भय नहीं रहता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गए थे तो नंद दंपत्ति ने गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नज़र उतारी और भय का निवारण किया। दोस्तों मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है।
और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। यह उपाय करने से उनके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। साथ ही दोस्तों, गाय को कभी भी भूल कर ऐसी रोटी मत खिलाना। दोस्तों, गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं, साथ ही माता पार्वती आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। गाय को हमेशा घर की पहली रोटी और ताजा रोटी खिलानी चाहिए। इससे सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलाएं, यह अशुभ माना जाता है। गाय को बासी रोटी खिलाकर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप अनावश्यक मृत्यु का शिकार भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से गाय को रोटी खिलाना पुण्य फल प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है, तो वहीं गाय को बासी रोटी खिलाने से आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला व्यक्ति माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे लोगों को घोर नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए संपूर्ण तीर्थों की एक एक कुंड में नहाना पड़ा था, तब जाकर उनके पापों से मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।